जिस दिन मुझे आज भी याद है, 8 मार्च का दिन था, मैं स्कूल आ रहा था, तो रास्ते में जो लोग भी मुझे जानते थे इस गांव के, तो जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि मेरा तबादला स्कूल में हुआ, तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे यही किया कि किस वजह से आप स्कूल में आ रहे हो, क्या आपका इसके अलावा और कोई काम नहीं है? तो एक कश्मीरी में एक ने कहा कि जो समझने खून चोप स्कूल से आ, कुदरती तौर पर मेरे जहन पर एक दबाव पड़ गया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल मैंने स्कूल में कदम रखा, तो जो ही मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, जो इमारत देखकर या जो यहाँ का माहौल देखकर या यहाँ जो जो एक इर्द गिर्द का माहौल था स्कूल का, बहुत ही बुरा था, तो मेरे दिल पे भी उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। सब बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्ची है जो 8th क्लास में आज पढ़ रही है और 2 बच्चे हैं वो 4th क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इस स्कूल में पहले आते थे तो बहुत दिल खराब हो जाता था, बहुत दिल दुखता था, क्योंकि हालात स्कूल की बहुत ख़राब थी और कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई साफ़ सफाई का मतलब कोई तरीका नहीं था यहाँ पर। तो हम चाहते थे कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल कर किसी दूसरे स्कूल में डालें, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे में ही अल्लाह ने हमारे इस हेडमास्टर साहिबान की एंट्री करवाई। इसी साल जो हमने मतलब सेक्शन बनाए हैं, सेग्रीगेट किए हैं बच्चों को, 2 क्लास हमने सेक्शन बनाए मैडम साहब के मशवरे पर, क्योंकि ये इसलिए बनाए ताकि इन बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत कम बहुत वीक थी, जिसकी वजह से हमने ये सेक्शन बनाए। जो जब हम बाहर यहाँ से निकलते थे तो लोग हमारी इज्जत करने लगे, उनको लगा कि नहीं एक तब्दीली आ रही है। एक जो बात अक्सर कही जाती है कि आजकल सोसाइटी में समाज में टीचर की कोई इज्जत नहीं, ज़ाती तौर मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अपना काम कुछ असलूबी से अंजाम देंगे, मेहनत से अंजाम देंगे, तो खुद ब खुद ये अल्लाह तआला का भी फरमान है, वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह चाहे उसको इज्जत देता है। तो जब हम अपना काम कुछ असलूबी से अंजाम देंगे, सही नीयत के साथ अंजाम देंगे, तो इज्जत ये तो खुद ब खुद हमारे कदम चूमती है।